पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुख्यालयों पर हल्ला बोल का कार्यक्रम रखा गया। सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाते हुए फिरोजाबाद में भी भारतीय जनता पार्टी की जिले और महानगर की कार्यकारिणी, सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, तमाम पदाधिकारी यहाँ मुख्यालय पहुंचे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। सर, क्या लगता है आज कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल अचानक से, क्या मामला है? मैं तो आपको इतना बताना चाहता हूँ, जब भी आप गूगल को सर्च करेंगे तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचारों की सूची निकलना शुरू हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी देश स्वतंत्र हुआ है तब से आज तक लगातार, पहले साइकिल का घोटाला हुआ, फिर जीप का घोटाला हुआ, पुराने कौन कौन से घोटाले हुए हम लोगों के दिमाग से ज्यादा नहीं है, तो ये लगातार घोटाला कर जनता इनको समझ चुकी है। जनता इनको 10 साल से सत्ता से बाहर किए हुए, राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान और उसकी बात करते हैं, भ्रष्टाचार उनके लोग कर रहे हैं। प्रतिनिधि जनता इसलिए चुनती है कि वो हमारी बात को लेकर के सदन में जाएं, हमारी समस्या का निदान कराएं, हमारी समस्याओं को सदन में रखें जिससे एक नई विकास की यात्रा वहां शुरू हो। पर जिन लोगों की मानसिकता आप लोग देख रहे होंगे कि प्रश्न पूछने के भी पैसे लेते हैं, तो जनता की बात सदन में रखने के पैसे लेते हैं, तो ऐसे लोगों के द्वारा एक साहू जी हैं, उनके यहाँ 300 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति पकड़ी गई है, मशीन है भाई साहब, जिनको मशीन कहते हैं, जो दिन रात चलती है वो मशीनें, अभी पैसा गिनने में अपने को असहाय और असहज महसूस कर रही हैं। वो खुद मशीनें भी सोचती होंगी इतना पैसा हायर आए भैया। केंद्र और अधिकतर प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो फिर आखिरकार इन कांग्रेसियों को जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इनको जेल भेजने का काम क्यों नहीं किया? जेल भेजने का बिल्कुल काम होगा माननीय मोदी जी, केवल आपने देखा होगा अभी 3 प्रांतों में सरकार आई, मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी ने जो गारंटी पे भी गारंटी दी है जी, वो उसी का परिणाम है कि इस तरीके के लोग निकल करके आ रहे हैं। और नहीं, इनका कोई पता ही नहीं चलता था कौन कितने लेके पैसे लेकर के भाग गया, मोदी हैं तो देश को सुरक्षित रखने की गारंटी है। सवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि दिल्ली के एक सीएम है केजरीवाल, और भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस के खिलाफ हमलावर है, कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन जेल किसी को नहीं हो रही, जेल कब होगी? कई लोग जेल में है, आम आदमी पार्टी है, कई लोग जेल में है, आपको मालूम है। कांग्रेस के लोग कब जेल जाएंगे? कब जेल जाएंगे? एक भी नहीं बचेगा, मोदी जी हैं तो एक भी नहीं बचेगा। कांग्रेस के भ्रष्टाचार के विरुद्ध पूरे देश व्यापी जिला मुख्यालयों पर आज धरना प्रदर्शन दिया है, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। हमारे मोदी जी विकास की बात करते हैं, कांग्रेस भ्रष्टाचार करती है। आज भी उसका एक राज्यसभा सांसद उड़ीसा में, जो राज्यसभा सांसद है धीरू साहू करके, उसके यहाँ 300 करोड़ से ऊपर नगद पकड़े गए, आज भी मशीनें गिन रही हैं, अलमारी रकम रखने के लिए छोटी पड़ गई है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है, उसके विरुद्ध में ये आज राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम सब जिले के कार्यकर्ता, सांसद जी, मेयर जी, महानगर अध्यक्ष जी, अन्य हमारे जिले के पदाधिकारी, महानगर के पदाधिकारी, सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, सब लोग आए हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर जिलाध्यक्ष श्री उदय प्रताप सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राकेश अंकवाल के नेतृत्व में आज हजारों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों ने यहाँ पर कांग्रेस पार्टी द्वारा जो भ्रष्टाचार देश में किया जा रहा है उसके विरुद्ध में आज यहाँ पर एक ज्ञापन दिया गया है। और सभी हम कार्यकर्ताओं की मांग है, और जो कांग्रेस पार्टी कृत्य है वो जनता के बीच में हम उजागर करेंगे, किस तरीके से वो देश में भ्रष्टाचार कर रहे हैं और किस तरीके से उनके जो राज्यसभा सांसद वगैरह या पार्टी पदाधिकारी है, कांग्रेस पार्टी है, किस तरीके से नोट उनके घरों पर निकल रहे हैं और मशीनें भी थक जा रही नोट गिनते हुए। कांग्रेस पार्टी केवल देश को लूटने का कार्य किया है, भारतीय जनता पार्टी ने सदैव भ्रष्टाचार को खत्म करने का कार्य किया है, एक भी नहीं बचेगा। तो आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रव्यापी आंदोलन पूरे देश के अंदर जारी है। जनपद फिरोजाबाद के मुख्यालय पर भी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और तमाम नेतागण, पूर्व विधायक, विधायक, मंत्री, सभी लोग यहां पहुंचे और सीधे तौर पर एक ही आवाज है कि कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार को नेस्तनाबूद करने के लिए हल्ला बोल का कार्यक्रम है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो लगातार कहा जाता है कि हमारे किसी पदाधिकारी को जेल नहीं हुई या मुकदमा नहीं लिखा गया, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का दावा और वादा है कि आने वाले समय में जो भी भ्रष्टाचार करेगा उनको जेल की भी हवा खानी पड़ेगी। अब ऐसे में ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन क्या रंग लाएगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन जोर पकड़ रहा है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए खुश।